हेम्बो क्या हो रहा है तेरे को? हाँ क्या हुआ बच्चा? दोस्तों यह है मेरा रेम्बो कैट और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। तो सर्दी अगर आपको कैट को भी अगर ऐसी ही हुई है विंटर सीजन में तो आपको हल्का सा स्टीम देना है उसको। ओके और मेरे बाकी के कैट्स भी हैं, इसकी ये जो रेस्क्यू कैट है मैंने इसको रेस्क्यू किया था कुछ दिनों पहले, और ये जो मेरा कैप्टन कैट है यहाँ पानी पी रहा है। ओके बाकी के जो भी मेरे कैट्स थे बट इसको ना कफ ज़्यादा हुआ है, आप देख सकते हो कैसे इसने अभी यहाँ पर कफ निकाला है हल्का सा। तो हम क्या करेंगे उसको, वैसे तो ये मानेगा नहीं बट हम, ये मेरा एक लौता ऐसा कैट है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है। बट अभी अचानक से मुंबई साइड में ठंड काफ़ी हो रही है मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम, और दोपहर में भी मैं जहाँ रहता हूँ जो मेरा बिल्डिंग है जो मेरा फ्लैट है वहाँ पर धूप आती नहीं है। ओके तो इस वजह से इनको धूप ही नहीं मिलती है। बट मोस्टली होता क्या, ये ब्लाइंड कैट है और इसको कहीं बाहर ले जाना धूप में थोड़ा सा मुझे रिस्क लगता है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कई सारे स्ट्रे डॉग्स हैं जो कि हमने यहाँ पर नीचे इनको पाल रखा है। तो वैसे वो जो कुछ करेंगे नहीं बट ये ब्लाइंड कैट है और ये थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है, इस वजह से इसको मैं कहीं लेके नहीं जाऊँगा। बट आपको करना क्या, ऐसे अगर आपके कैट्स भी कोल्ड का शिकार है या फिर आपके कैट को भी कोल्ड हो रखा है तो आपको हल्का सा स्टीम देना है अगर आपके पास स्टीमर है तो, या फिर वो ज़्यादा आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप वेट के पास ले जाओ। हम वेट के पास भी जाने की कोशिश करेंगे बट उसके पहले हम जो घर का जो रेमेडीज है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको कुछ फ़र्क मिले। ओके तो हमारे पास स्टीमर है ऑलरेडी तो हम हल्का सा इसको स्टीम देंगे यहाँ पर। ओके तो अच्छा, तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टीमर और यहीं पर पास में ही लग भी है तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ना लेना होता है। और ये रहा हमारा रेम्बो कैट। ओके देख रहा, देखो देख रहा मतलब देख तो पाता नहीं है किसी को भी, ब्लाइंड कैट है बट किसी की अगर आहट आती है तो तुरंत से अलर्ट हो जाता है तो ये उसकी बहुत खासियत है। ओके देखो उसको पता नहीं कि सेंटर कहाँ है चेयर का, वो कॉर्नर में एकदम साइड में आकर के यहाँ बैठा है। देख लीजिए सो ये हो चुका है यहाँ पर ऑन और ये रहा हमारा यहाँ पर रैम्बो। तो हम इसको थोड़ा आगे लेकर के आएंगे, ये थोड़ा सा केबल आप देख सकते हैं मैंने प्लग लगा लिया है और तुरंत इसको थोड़ा आगे लेंगे हम चेयर से खींच के। देखो आ चुका है एग्जैक्टली सामने, आप देख सकते हो यहाँ ये रहा रैम्बो, ये रहा स्ट्रीमर और देखो हल्का हल्का सा पानी मैंने ज़्यादा भरा है, आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो पापा ना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। और उसको दोस्तों ये मैं कुछ करने वाला नहीं था, अपने आप मुझे लगा ये अच्छा हो जाएगा, आप देख सकते हो उसकी सर्दी तकलीफ है, उसको कफ हो रखा है और उसके लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये आएगा काफ़ी ठंड है, इस वजह से इसको मैंने ये बनाया। पहनने रहता आदत नहीं है इनको सभी चीज़ें पहनने की बट मैंने इसको जबरदस्ती पहनाया है, धूप ही नहीं है इस वजह से ये काफ़ी इनको सर्दी लग चुकी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर धुआं आना स्टार्ट हो चुका है इसका भाव। चलो इसको हम ट्राई करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर रख देते हैं कैमरा। दोस्तों मैं खुद इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे समझना चाहिए कि भाप कहाँ तक आ रही है, ज़्यादा कम। ओके इस वजह से मैं खुद भी ले रहा हूँ और उसी अंदाज से मैं इसको भी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी अच्छे से ले पाए। ओके रुकना बेटा, जरूरी बेटा बहुत। नहीं चाहिए ठीक है, लिया उसने थोड़ा बहुत, हम धीरे धीरे करते हैं उसको दो तीन बार देंगे और। ओके पागल।
मेरे पास कभी आता नहीं है दोस्तों, आपको बता दूँ एक चीज़, रैम्बो की खासियत, रैम्बो कैट मेरे पास कभी आता नहीं है, इतना क्लोज कभी मेरे से है नहीं, बट आप देख सकते हो कि इसको चाहिए थोड़ा वार्म, इस वजह से मेरे पास आकर मेरे लैप में बैठ रहा है। और इस रूम के अंदर तो आने का सवाल ही उठता नहीं उसका, क्योंकि ये रूम कैप्टन का है और जो मेरी नई रेस्क्यू कैट है उसका रूम है, दो जो कैट से मेरे ये रूम में रहते हैं। बट आप आज देख सकते हो कैप्टन इस रूम में आया है और जो मैं चेयर पर बैठता हूँ काम करने के लिए, वो चेयर पर बैठा है। देखो, और सर्दी उसको इस तरह इस कदर उसको सर्दी हुई है कि वो एकदम बेचैन है, और काफ़ी कफ है उसके। देखो, देख रहे हो आप, देखो सांस लेने में थोड़ा हल्की तकलीफ हो रही है, इस वजह से उसको मैंने यहाँ पर उसको मैंने स्टीम दिया है, और कुछ देर के बाद में और देंगे ताकि वो थोड़ा जो भी होगा इनहेल करने में उसको कोई। देखो, और मैं एक काम करता हूँ, उसको मैंने बॉक्स भी बना कर दिया था, बट बॉक्स में देखो बॉक्स बड़ा बॉक्स था, अच्छा ही है, बट अंदर पता नहीं जाके सो नहीं रहा है। तू दूर है, उसके पास मत जा, दूर दूर दूर, मस्ती नहीं।